Good morning, class 8th. Welcome back to your geography class. I am your Sanjita Miss. I hope all of you are taking good care of your health and also studying very well. So, students, this is your 14th lecture video of geography chapter 5 industries. So, students, as you all know in our previous lecture video, we discussed a general introduction about one of the world's major and important industry that is cotton textile industry so students i hope the content in the previous video is clear to all of you so students in today's lecture video we shall discuss our next topic that is ahmedabad सो so स्टूडेंट्स आज के लेक्चर वीडियो में हम इंडिया का एक मेजर एंड इम्पोर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर यानी कि अहमदाबाद इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे सो स्टूडेंट्स इट इज लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ द साबरमती रिवर तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि जो अहमदाबाद है ये लोकेटेड है गुजरात में साबरमती रिवर के बैंक्स पर यानी कि कहने का ये मतलब है कि ये जो अहमदाबाद है ये सिचुएटेड है गुजरात में साबरमती नदी के किनारे पर द फर्स्ट मिल वॉज एस्टेब्लिश इन 1859। जो पहली मिल यानी कि जो फर्स्ट मिल थी वो एस्टेब्लिश करी गई थी सेटअप करी गई थी 1859 में इट सून बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया आफ्टर मुंबई जल्द ही फिर अहमदाबाद सेकेंड लार्जेस्ट यानी कि दूसरी सबसे बड़ी टेक्सटाइल सिटी बन गया इंडिया का मुंबई के बाद में अहमदाबाद वॉज देयर फॉर ऑफन रेफर टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को अक्सर इसीलिए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है अब बच्चों अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है अब बच्चों ये जो मैनचेस्टर है ये एक सिटी है इंग्लैंड में और ये फेमस है अपनी कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड अब बच्चों जिस तरह से मैनचेस्टर जो है वो फेमस है उसी तरह से अहमदाबाद भी इंडिया में फेमस है अपनी कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए इसीलिए अहमदाबाद को अक्सर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद अब बच्चों क्या कह रहे हैं कि फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर्स यानी कि सुटेबल लोकेशनल फैक्टर्स जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए अहमदाबाद में यानी कि कहने का यह मतलब है कि सुटेबल लोकेशनल फैक्टर्स की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हुई अहमदाबाद में अहमदाबाद इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया अब यहां पर उन्हीं फैक्टर्स के बारे में बताया गया है सो फर्स्ट फैक्टर क्या बता रहे हैं कि अहमदाबाद इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि ये जो अहमदाबाद है ये बहुत ही क्लोजली सिचुएटेड है यानी कि बहुत ही पास में सिचुएटेड है कॉटन ग्रोइंग एरिया के यानि कि कहने का ये मतलब है कि जिस एरिया में कॉटन ग्रो करी जाती है जिस जगह पर कॉटन ग्रो करी जाती है अहमदाबाद जो है वो उसके बहुत ही पास में सिचुएटेड है दिस एन्श्योर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इससे क्या इंश्योर होता है कि जो रॉ मटेरियल है वो इजिली अवेलेबल होता है यानी कि कहने का ये मतलब है कि इसकी वजह से जो रॉ मटेरियल है वो इजिली अवेलेबल होता है द क्लाइमेट इज आइडियल फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग अब बच्चों क्या कह रहे हैं कि जो अहमदाबाद का क्लाइमेट है वो भी आइडियल है यानी कि सूटेबल है स्पिनिंग और वीविंग के लिए द फ्लैट टेरेन एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज सुटेबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिल्स अब बच्चों एक और फैक्टर क्या बताया गया है कि फ्लैट टेरेन यानी की फ्लैट लैंड जो है और लैंड का इजिली अवेलेबल होना यानी कि लैंड का आसानी से मिल जाना ये सब क्या है सुटेबल है मिल्स की एस्टेब्लिशमेंट के लिए यानी कि कहने का ये मतलब है कि फ्लैट टेरेन यानी कि फ्लैट लैंड और लैंड का इजिली अवेलेबल होना ये सब क्या है सुटेबल है मिल्स की एस्टेब्लिशमेंट के लिए द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र प्रोवाइड बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर अब बच्चों यहाँ पर एक और फैक्टर क्या बता रहे हैं कि जो डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं यानी कि घनी आबादी वाली स्टेट्स हैं गुजरात और महाराष्ट्र ये क्या प्रोवाइड करती हैं स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर दोनों ही यानी कि कहने का ये मतलब है कि जो डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स है गुजरात और महाराष्ट्र इसकी वजह से दोनों स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर जो है वो आसानी से मिल जाती है देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट फैक्टर क्या बताया गया है well developed road and railway network permits easy transportation of textiles to different parts of the country thus providing easy access to the market ab bachcho kya keh rahe hain ki well developed road अच्छी तरह से developed road और railway का जो network है इसकी वजह से जो textiles है यानी कि जो कपड़ा है उसे easily transport करा जा सकता है उसे इजिली पहुंचाया जा सकता है कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में जिसकी वजह से जो मार्केट है यानी कि जो बाजार है उस तक इजी एसेस जो है वो मिल जाता है यानी कि मार्केट तक इजिली पहुंचा जा सकता है मुंबई पोर्ट नियर बाय फेसिलिटेट इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स अभी यहां पर एक और फैक्टर बता रहे हैं कि जो मुंबई पोर्ट पास में ही है उसकी वजह से आसानी से मशीनरी को इंपोर्ट करा जा सकता है यानी कि बाहर की कंट्री से आसानी से मशीनरी को लाया जा सकता है और जो कॉटन टेक्सटाइल्स है यानी कि जो कॉटन का कपड़ा है उसे आसानी से एक्सपोर्ट भी करा जा सकता है यानी कि बाकी कंट्रीज में भेजा जा सकता है सो so, स्टूडेंट्स यहां पर हमने डिस्कस करे वो सारे फैक्टर्स जो कि बताते हैं कि किस तरह से जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो है वो फ्लरिश हुई अहमदाबाद में नाउ स्टूडेंट्स बट इन द रिसेंट इयर्स अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन फेस हैविंग सम प्रॉब्लम्स तो बच्चों क्या कह रहे हैं पर पिछले कुछ सालों में अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रही हैं। यानी कि कहने का ये मतलब है कि पिछले कुछ सालों में अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है Several textile mills have closed down. कई सारी टेक्सटाइल मिल्स तो क्लोज भी हो चुकी हैं, यानी कि बंद भी हो चुकी हैं दिस इज प्राइमरली ड्यू टू न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स इन कंट्री एज वेल एज नॉन अपग्रेडेशन ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी इन द मिल्स ऑफ अहमदाबाद अब बच्चों क्या कह रहे हैं कि ये मेनली किसकी वजह से हुआ है पहला तो ये कि न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स की इमरजेंस हुई कंट्री में यानी कि न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स जो है वो एमर्ज हुए सेटअप हुए कंट्री में और दूसरा क्या कि जो मशीन्स और टेक्नोलॉजी है मिल्स की उन्हें उनकी नॉन अपग्रेडेशन हुई यानी कि उन्हें अपग्रेड नहीं करा गया इसी वजह से जो है बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स जो है वो बंद हो गई और कई सारी टेक्सटाइल मिल्स को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है सो so स्टूडेंट्स आज के लेक्चर वीडियो में हमने इंडिया का एक मेजर एंड इम्पोर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर यानी कि अहमदाबाद इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करा सो स्टूडेंट्स आई होप आज के लेक्चर वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो फिर भी अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट हो कुछ समझ नहीं आया हो तो बच्चों जब आपकी चैट ओपन करी जाएगी तब आप अपने डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं थैंक यू स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे